गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी गुर्जर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं क्लास 10 की त्रिकोणमिति प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। और अभी तक इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 और क्लास 12 की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं क्लास 10 के लिए मैथ के इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताऊंगा जो आपको त्रिकोणमिति प्रश्नावली में मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं कोण के बारे में बताता हूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति किसे बोलेंगे, कोण और भुजा के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोण के बारे में बताऊंगा, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी माप क्या होती है। तो डिग्री के आधार पे कोण होते हैं, एक तो होता है न्यून कोण, किसके आधार पर बता रहा हूँ, डिग्री के आधार पर। दूसरा होता है सम कोण, तीसरा होता है अधिक कोण, चौथा होता है सरल कोण या रिजु कोण भी बोलते हैं, सरल या रिजु कोण, और पांचवा होता है वृहत कोण, वृहत कोण। ठीक है, ये पांच टाइप होते हैं डिग्री के आधार पे कोण के प्रकार। यानी जो न्यून कोण होता है उसे किसे बोलेंगे, सम कोण किसे बोलेंगे, अधिक कोण, सरल कोण और वृहत कोण। एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण किसे बोलेंगे, एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा उसे हम न्यून कोण बोलेंगे। इसकी परिभाषा की मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण किसे बोलेंगे, एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण बोलेंगे। ऐसा कोण जिसका मान एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है यानी एकदम 90 डिग्री होता है या 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम समकोण बोलेंगे। अधिक कोण किसे बोलेंगे, एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम अधिक कोण बोलेंगे। अधिक कोण किसे बोलेंगे, एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक होता है, ये निशान होते हैं ना, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इसे बोलते हैं लेस देन। यानी थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री से अधिक, ग्रेटर देन है, और 180 डिग्री से कम है, लेस देन है, तो उसे हम बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, सरल कोण किसे बोलेंगे, एक ऐसा कोण, सरल कोण किसे बोलेंगे, एक ऐसा कोण जिसका मान एग्जैक्टली यानी और जो सरल कोण होता है उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अभी बता रहा हूं, एक मिनट रुकना। सरल कोण का मान कितना होता है, ठीक 180 डिग्री होता है, और वृहत कोण, वृहत कोण की वैल्यू होती है थीटा का मान 180 डिग्री से तो अधिक हो और 90 डिग्री 360 डिग्री से कम हो उसे हम वृहत कोण बोलेंगे। ये हो गई बेसिक कोण के बारे में बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोण को किस में मापते हैं, इकाई क्या होती है कोण की। हम क्लास 10 में तो नॉर्मली एक ही काम में लेते हैं डिग्री, लेकिन ये दो में मापा जाता है। पहला आता है डिग्री, दूसरा आता है, एक तो डिग्री आएगा और दूसरा आएगा रेडियन। ठीक है, कोण 90 डिग्री होते हैं, कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। डिग्री को इस ऊपर वाले चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक डिग्री में कितनी मिनट होती है,
60 मिनट होती है, मिनट होती है, और मिनट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 60 डैश। और एक मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं 60, और इसे हम डबल डैश से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ रेडियन के बारे में, जो दूसरी माप होती है कोण की, रेडियन, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरी माप होती है रेडियन, रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 अपॉन पाई होते हैं, ठीक है, और 1 पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये भी बात ध्यान रखना, लिख लेना 3.14, यानी 22/7 होती है, और एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 होती है, 7 नहीं होती है, 4 होती है। अब आपको मैं ये प्रूफ करके बताता हूँ कि ये कहाँ से आया, और रेडियन की परिभाषा भी क्या होती है, रेडियन की परिभाषा भी क्या होती है ये भी बताता हूँ। हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चाप की ज़रूरत पड़ेगी। ये सर्किल है, ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पे हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये रेडियन यानी ये इसकी त्रिज्या है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो केंद्र है, ये भी R। अगर ये चाप है ना, ये इस R के बराबर में आ जाए तो इस कोण को हम एक रेडियन बोलेंगे, इस कोण को क्या बोलेंगे, एक रेडियन बोलेंगे। जो ये चाप है वो इस त्रिज्या के बराबर आ जाए तो इस एक रेडियन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक रेडियन, और एक रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। ये 90 डिग्री के हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी होगी जिसे हम मान लेते हैं L2, ये प्रूफ करके बता रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि अगर इसका मान बढ़ेगा L का, तो थीटा बड़ा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री यानी इससे बड़ा है, तो हम बोल देंगे कि जो थीटा का मान है वो समानुपाती रहेगा L के, किसके समानुपाती रहेगा, L के। और हम समानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आता है K, L, और हम इसे सिद्ध करने के लिए दो पोजीशन लेंगे, कितनी पोजीशन लेंगे, दो पोजीशन, यानी दो स्थिति लेंगे, एक तो थीटा 1 लेंगे और एक थीटा 2 लेंगे। यानी थीटा 1 समानुपाती रहेगा के एल 1 के, थीटा 2 समानुपाती रहेगा के एल 2 के, और हम इसे अपॉन में लिख देंगे, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू के एल 1 अपॉन के एल 2, के से के कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उनको आपको काट के नहीं दिखाना है। और थीटा 1 की वैल्यू क्या है, ओनली थीटा है, थीटा 2 की वैल्यू क्या है, आपको चित्र में नज़र आ रहा हो गया कि ये केंद्र बिंदु है और ये 90 डिग्री है, यहाँ से थीटा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये चाप L1 है जिसकी वैल्यू इसके बराबर होती है त्रिज्या के, तो इसका मान R आ गया, और ये L2 है। तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ की वैल्यू होती है वो एक सूत्र होता है, L का मान थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, ये आप सूत्र ध्यान रखना। तो ये सूत्र आप यहाँ पे रख दो, थीटा 1 की वैल्यू थीटा, थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बराबर में के से के कट गया, L1 की वैल्यू R अपॉन L2 की वैल्यू मैंने बताया था कि ये 90 डिग्री का होता है, ये चाप की लंब जो सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr होता है। तो यहाँ पर लिख दो थीटा अपॉन 360, और ये थीटा की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है, इसका 90 डिग्री आएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री इंटू
टू पाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया, 9 से 180 से ये कैंसिल हो गया, 9 का दुगना 360 होता है तो 180 हो गया, ये यानी 180 हो गया, और 180 को भी इससे काट दो 90 आ गया, या इससे नहीं काटो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थीटा 2 90 डिग्री था, या 90 से 90 ये काट दो और ये 180 कट जाएगा। ये दोबारा समझा देता हूँ आपको, थोड़ा काटने में दिक्कत आएगी आपको। यानी हमारे पास एक तो आया था थीटा की वैल्यू, थीटा थीटा 2 की वैल्यू आई थी यहाँ से आपके पास 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दो बराबर में। L1 की वैल्यू क्या थी, R थी, L1 की वैल्यू R अपोन L2 की वैल्यू थीटा, थीटा का मान हम 90 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 90, क्योंकि थीटा का मान जो यहाँ पे है ना, ये थीटा 2 का मान 90 है, तो ये थीटा 2 ही होता है एक्चुअली में, तो 360 90 ऊपर आ जाएगा, 360 आ गया इंटू 2 पाई आर। तो इस 90 से 90 एक बात ध्यान रखना, ऊपर की संख्या ऊपर से कटती है, नीचे की संख्या नीचे से कटती, तो इस 90 से 90 कट गया और यहाँ पे 2 है इससे ये कट गया, 180 से यानी 180 कट गया, आर से आर कट गया, तो यह आया थीटा बराबर में 1 अपोन पाई अपोन 180। अब एक आप सूत्र ध्यान रखना, एक सूत्र है यानी a अपोन बी अपोन सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपोन बी लिख सकते हैं, तो 180 को 1 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, तो थीटा बराबर में क्या आएगा, 180 अपोन पाई, और थीटा की जो वैल्यू है, ये वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने आपको बताया था पहले कि ये हमारे पास एक त्रिज्या है, ये अगर ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, तो इसका मान 1 रेडियन होता है, कितना होता है 1 रेडियन, 1 रेडियन लिखा था ना, तो कहाँ पे है ये 1 रेडियन बराबर में आ जाएगा 180 अपॉन पाई। तो अब बताओ मेरा वीडियो आपको समझ में आया है नहीं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, और रेगुलर आपको यहाँ पे मैथ की क्लास मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।